आज हम एक जगह पढ़ रहे थे पुस्तक में, मिश्रा जी आज हम प्रातः काल पढ़ रहे थे, बहुत ऊंची बात आपको निवेदन करें, पुस्तक में बहुत करोड़ों की बात लिखी थी प्रातः काल में, उसमें लिखा था कि आप कोई पूजा ना कर पाओ, कोई मंत्र ना जप पाओ, कोई विधि ना कर पाओ, कोई यज्ञ ना कर पाओ, गुरु वाक्य को मान लिया तो देवता उनके प्रत्येक कर्म को ही भजन बना देते हैं। हाँ, राजस्थान के एक महात्मा हुए श्री जंगी जी महाराज, राजस्थान, उनकी गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी कि गुरु जी ने वो दीक्षा लेने गए, ध्यान से सुनना अच्छी घटना, सत्य बात याद आ गई, दीक्षा लेने गए तो गुरु जी ने कहा भाई क्या करोगे, तो उन्होंने कहा जो गुरु आज्ञा होएगी सोई हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, दीक्षा हम तुम्हें बाद में देंगे, चलो तुम एक काम करो, धान का कूटने का काम करो, धान को कूटने का। अब लो आज के जमाने में कोई और चेला होता तो ये कहता कि धान कूटने आए हैं, दीक्षा दो दीक्षा, बोले तुम पहले धान कूटो। अच्छा चलो एक दो घंटे की धान कुटाई हो तो कोई दिक्कत नहीं, 12 साल तक धान कुटाई की और एक भी दिन नहीं मिले। गुरुजी और शिष्यों को मिलते थे, मंत्र देते थे, कथा सुनाते थे, उनको आज्ञा एक बार दे दी कि तुम्हें धान कूटना, ये नहीं बताया कितने दिन कितनी, धन्य है इनकी निष्ठा गुरु वाणी पर। 16 साल हो गए, एक भी दिन लौट करके नहीं पूछा कि और क्या करना। 16 साल बाद जब गुरुदेव ने सब शिष्यों को बुलाया तो बोले बताओ सत्य क्या है परीक्षा लेने के लिए, तो वो धान कूटने वाला सेवक गुरु आज्ञा लेकर के कहता कि गुरु, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आऊं, पधारो पधारो, कुछ देर बाद धान कूट लेना, आओ बिराजो। विराजमान करवाया, सब शिष्य ऐसे ही बैठ गए तो गुरुदेव ने पूछा बताओ भाई सत्य क्या है, तो सबने बड़े बड़े वेद पुराण जितने पढ़ रखे थे, सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। किसी ने रामायण की चौपाई से उदाहरण दिया, भगवान नाम ही सत्य है, कलयुग केवल नाम आधारा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सबने अपनी अपनी वाणी में बताया, सबसे अंत में जो धान कूटने वाला सेवक था उससे पूछा कि तुम बताओ सत्य क्या है, बोले गुरुदेव हमने तो वेद पढ़े नहीं, आपने पढ़ाए नहीं, यहां ये भी कह सकते थे कि गुरुजी हमें हमसे तो तुम धान कुटवाते रहे, कुछ बताया ही नहीं, हम क्या खाक बता दें, लेकिन धन्य है इनकी गुरु निष्ठा, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बता नहीं, इन्होंने कहा गुरुदेव हम वेद तो कुछ जानते नहीं, हमारी दृष्टि में असत्य कुछ भी नहीं है, सत्य ही सत्य सब कुछ है, सिया राम में सब जग जाने। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, आहा अरे भैया तुमने करोड़ों की बात कह दी, आज से तुम्हारी धान की सेवा दूर, आज से तुम हमारी निज सेवा में रहोगे, तो गुरु वचन माने जो पाए पदार्थ चार। गुरु के वचनों को जो मानता है वो विश्व की कोई भी उपलब्धि पा सकता है, हम सत्य कह रहे हैं।